हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छोटों को प्यार बड़ों को पढ़ना। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये डुगू खड़ा हो गया आगे से। हेलो को, हेलो, कैसे हो आप सब? कैसे आपके? आज हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। थोड़ा सा मैं आपको मंदिर के बारे में बता देती हूँ। हम रास्ते में हैं अभी, तो मैं इसलिए मंदिर के बारे में बता देती हूँ। यह मंदिर कनखल में दक्ष मंदिर के पास स्थित है। शीतला देवी को राजा दक्ष की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। ये बच्चे यहाँ पे फोटो खींचे थे। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। राजा दक्ष ने अपनी कुलदेवी शीतला माता की कठोर तपस्या की थी और मनोकामना पूरी होने पर देवी सती ने इस मंदिर में जन्म लिया। ये यहाँ पे पहुँचने वाले हम। ये देखो, ये सती का जन्म स्थान भी इसको बोला जाता है। ये चप्पल उतार था, अंदर पहुंच गए। ये देखो इस तरीके से। इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। शीतला माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। यह मंदिर संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की जाती है इस मंदिर में। यहाँ नवरात्रों में भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है और माँ को हर रोज़ 56 भोग लगाए जाते हैं इस मंदिर में। माँ को हर रोज़ 56 भोग लगाए जाते हैं। ये मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके से शीतला माता की जय। शीतला माता सबकी मनोकामना पूरी करें। ये इस तरीके से शीतला माता का गेट है। और शीतला माता मंदिर के सामने भी घाट है, वहाँ पे सब आते हैं दिया जलाने के लिए, गंगा पूजा के लिए। शाम के टाइम सब दीपक जलाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ पे शीतला माता का। ये पूरी अच्छी तरह से दिखा रही हूँ, सामने है, पीछे है शीतला माता मंदिर और यहाँ पीछे गंगा जी है। दूर दूर से इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं माई बैक साइड अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। यहाँ गंगा जी चल रही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना गंगा जी का नज़ारा। यहाँ डुगू पंच स्नान के लिए रेडी हो गया है। ये देखो किस तरीके से खेल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।